वहीं गोंदिया में प्रचार के दौरान नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। भाजपा के उम्मीदवार विनोद अग्रवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल अग्रवाल पर भू माफिया होने का बड़ा आरोप लगाया। यही नहीं, गोपाल अग्रवाल ने विनोद अग्रवाल पर 5 साल बनाम 27 साल का विकास पर बहस करने की खुली चुनौती भी दी। मैं विकास के मामले में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा और नम्रता पूर्वक भूमि पूजन दास जी को आह्वान करना चाहूंगा, ये सब तो मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि गोंदिया सर और गोंदिया विधानसभा में जितने कामों के आज तक के भूमि पूजन हुए उसमें के 90% काम तो हुए नहीं आज तक के, सिर्फ भूमि पूजन पूजन होते रहे। पूजन दास जी को नम्रता पूर्वक आह्वान करना चाहता हूँ, आप विकास के मुद्दे पर बात कीजिए। अगर आप में सचमुच में 27 साल में इस गोंदिया सर और गोंदिया विधानसभा का विकास किया है तो एक बार खुली डिबेट हो जाए, एक बार खुली चर्चा हो जाए। अगर दम है उनके और उनके बच्चों में तो खुलो खुली चर्चा मेरे से करें। गोंदिया शहर का सबसे बड़ा भूमाफिया गोपाल दास और उसके बच्चे हैं, गोपाल दास और उसके बच्चे गोंदिया शहर के सबसे बड़े भूमाफिया, क्योंकि आज तक के गोंदिया में जो भूमि सरकार की है वो भूमि गोपाल की है। पूरे सरकारी जमाने में इनके बगल बच्चों ने पूरा कब्जा करके रखा है।